सो ऑल गाइस टुडे वी आर हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू राइड द ऑल न्यू पल्सर एंड 250 विथ अपडेटेड स्पीडोमीटर एंड बाय अपडेटेड यूएसडी फोक्स। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई, हमने अभी ब्लैक वाला कलर चूज किया, इसको अपन राइड करने वाले एंड राइड करके बताएंगे भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा अपना इस बाइक के साथ, साथ ही साथ क्या क्या भाई इंप्रूवमेंट हुए इस बाइक के साथ। तो भाई ये देख सकते हो भाई, ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है, यहाँ पे एंड 250 की बैजिंग की गई है, ये कुछ अलग सा ग्राफिक्स यहाँ पे दिया गया है। एंड स्पीडोमीटर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का स्पीडोमीटर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी मैं सुनाता हूँ आपको इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। तो हियर वी हैव द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। तो कुछ इस तरीके से साउंड करती है ये बाइक। एंड फिलहाल वी आर इन कोलकाता, ये रहा शोरूम जहाँ पे अपन भाई इस बाइक को लेकर निकल रहे हैं राइड करने के लिए, OSL बजाज एंड दिस लोकेशन इज ठाकुर पुकुर। तो अभी यहाँ से निकलने वाले भाई राइड करेंगे, अपने साथ नीलाद्री भाई भी चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है बाइक, ऑल्दो आपने पहले भी देखा है भाई एंड 250 पे हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, बट आज भाई ये नई वाली है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो नए अपग्रेड हुए इस बाइक के साथ। यहाँ पे देख सकते हो भाई चार्जिंग के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो बिना लेट के भाई यहाँ से निकलते हैं एंड मिलते हैं आपसे आगे। अभी आ चुके हैं भाई इस बाइक के ऊपर, नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस बाइक। और फर्स्ट टाइम भाई कोलकाता में अपन 250 राइड कर रहे हैं। बाकी बाइक का साउंड काफ़ी प्यार आ रहा है, देखो अभी एग्जॉस्ट नोट सुनना, बहुत ही बेसफुल सा साउंड आ रहा है इस बाइक का। जब अपन इसको पूरा रेव लिमिटर तक खींचेंगे ना तो जाकर पता चलेगा हाउ इट्स परफॉर्मिंग। बाकी इस बाइक में हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, इस बाइक में हमें भाई फ़ोन की कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हो एंड भाई आप इसमें रियल टाइम माइलेज वगैरह सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस बाइक का जो स्पीडोमीटर है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दिया गया। तो चलो भाई जैसे मौका मिलेगा ना, अभी क्या ना जगह ही नहीं है तो खींच नहीं पा रहे, हर जगह सिग्नल आ जा रहा है आगे देखो। भाई सेकंड गियर ही अपन खींच पाए, 73 के अराउंड गई सेकंड गियर पे। फाइनली वी आर एट मा फ्लाई ओवर और यहाँ से भाई मतलब दिस इज द लॉन्गेस्ट ओवर ब्रिज ऑफ कोलकाता, इससे लंबा कोई भी ओवर ब्रिज पूरे कोलकाता में नहीं है। चलो यहाँ पे बाइक को ना थोड़ा भगा के देखते हैं, ऑल दो हर तरफ ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो कहीं पे भी खुल के भगाने का ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। यार एक बार ये चेक करो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, बिल्कुल ना महल की तरह दिखता है ये होटल। और जितनी बार आऊँ ना भाई इसका तारीफ करता ही रहता हूँ क्योंकि भाई बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। भाई टायर ज़्यादा वाइडर हो चुका है ना जिसकी वजह से कॉर्नर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लीन करने में ना भाई मज़ा आ रहा है बाइक को। फोर्थ गियर में 125 गई और कहीं भी पैच नहीं मिल रहा जहाँ पे इसके अपन टॉप एंड निकाल पाए, और हर जगह भाई रेड लाइट है भाई, तो दिक्कत हो जा रहा है, हमेशा ब्रेक लेना पड़ रहा है। देख सकते हो भाई कुछ ये रहा विश्व बांग्ला, हमें तो यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, ये रहा भाई विश्व बांग्ला गेट। और तो भाई हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया, बहुत अच्छा लगा बाइक को भगाकर। स्पेशली गाइस जिस एरिया में भी हम लोग घूम रहे हैं ना, इधर थोड़ा खाली खाली पैच है ना तो बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा है। भाई कहीं पे भी मौका नहीं मिल पा रहा, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा कि कहीं पे अपन फुल थ्रॉटल भगा पाए बाइक को। तो अभी अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो ये इको पार्क वाला एरिया पूरा, और भाई यहाँ तक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शायद आने वाला बहुत ही जल्द। चलो गाइस भगाते हैं।
इससे ज़्यादा ना कहीं भी खाली पैच मुझे नहीं मिला, ये सबसे ज़्यादा खाली पैच है जब हमने इतना भगाया बाइक को। ऑल दो ब्रेक्स मतलब सच में लाजवाब है यार, ब्रेकिंग ना इसकी बहुत ही अच्छी कर दी गई है पहले वाले की कंपैरेटिवली, एंड स्पेशली इस बाइक का जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि टायर साइज ना जैसे बढ़ चुके ना तो हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा बाइक को राइड करने में। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है भाई को, अभी क्या ना बाइक का थोड़ा ब्रेक इन हो गया है इस वजह से और भी ज्यादा मजा आ रहा है। सुबह सुबह जब चला रहे थे ना तो बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, 0 किलोमीटर चली हुई थी, अभी हमने लगभग 45 किलोमीटर चला लिया है, वापस पहुंचते पहुंचते तक अप्रोक्स 70-75 किलोमीटर चला लेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा भाई एक रिव्यू, राइड रिव्यू कैसा फील हुआ मुझे इस बाइक को इतने किलोमीटर राइड करने में। एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, जैसे भाई आप इस हेडलाइट को ऑन करते हो ना तो आपका देखो स्पीडोमीटर का जो लाइट है ना वो ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है, ये देखो अभी जैसे मैंने ऑफ किया ब्राइटनेस बढ़ चुका है, जैसे ऑन किया ब्राइटनेस कम हो जाता है, विच मीन्स कि रात को आपको भाई ज़्यादा ब्राइट नहीं तो आँख में छुपेगी नहीं, वरना होता है क्या ना राइड में जब आप बाइक को राइड कर रहे हो तो और ब्राइटनेस अगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है ना स्पीडोमीटर की तो बहुत ही परेशानी होती है आँख में ना भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का काम करता है, बट ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगा मुझे। ये देखो हमने बंद किया ये ब्राइट हो गई और ये ऑन किया बस लो हो गई, लादरी भाई फुल भगा रहे, चलो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऑल द फिर से वापस जा रहे हैं अपन विश बांग्ला गेट की तरफ ही, क्योंकि वहाँ से फिर हमें जाना है टुवर्ड्स द लोकेशन जहाँ से हमने बाइक पिक किया था, ठाकुर पोकोरी समवेयर अराउंड 30-35 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा भाई 1 घंटा 15-20 मिनट लग जाता है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा पंगा यही है भाई सिटी में अगर 30 किलोमीटर भी राइड करना ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ में। और यहाँ पे ना भाई हर 1 किलोमीटर पे आपको ऐसा सिग्नल मिल जाएगा, चलो भगाते हैं। यार बैरिकेड्स लगे, क्या ही बंदा भगाएगा, मैं फुल मूड में था भाई यहाँ पे कि थोड़ा और खींचूंगा, लेकिन बैरिकेड्स देख के ना भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है, और बैरिकेड्स तो ठीक है फिर भी, ये देखो फिर से रेड लाइट, अभी क्या मैं 1 किलोमीटर भी बाइक नहीं चला फिर से रुकना पड़ रहा है। रेड लाइट यार, क्या भगाएगा बंदा, ब्रेक्स देखो भाई ब्रेक्स काफ़ी अमेजिंग है, इसके ब्रेक्स का ना भाई मैं फ़ैन हो गया, स्लो डाउन हो जाते भाई।
हॉर्न बजाया बाइक को हमने यार, मजा आ गया। मुझे ना अभी भी इस बाइक में एक चीज़ की कमी लग रही है ना भाई, एक गियर ऑन होना चाहिए था फिफ्थ गियर के अलावा, सिक्स गियर अगर इसमें डाल देना तो पांच गियर से एक गियर आगे बढ़ने पे ना भाई काफ़ी ज़्यादा बाइक और ज़्यादा स्मूथ हो जाती भाई। फिफ्थ गियर पे ना बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगती है, इसी वजह से अगर छः गियर होती ना तो मुझे चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है एंड साथ ही आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड होता है ये मशीन। बट कोई नहीं भाई, लेकिन फिफ्थ गियर तक ना कहीं पर भी लैग नहीं है बाइक में, टॉप ले लो, मिड ले लो, इनिशियल ले लो, हर चीज़ काफ़ी अच्छा है। अच्छे नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अनइवन है एंड बम्स काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से बाइक भगाने में ना काफ़ी डर लगता है। ये देखो पूरे कोलकाता में ना मैं कुछ ही रास्ते मिले ना जहाँ पे थोड़ा बहुत बाइक भगाने में मज़ा आया, बाकी हर जगह इतना ज़्यादा बम्प। अगर 30-40 पे भी चल रहा हूँ ना भाई, बम्प ही है बहुत ज़्यादा भाई। ब्रेक्स इतना अच्छा ना, अगर पूरा दबा दो तो स्टॉप ही लग जा रहा है। यहाँ पे लगाते हैं बाइक को, लगभग भाई टोटल हमने यहाँ पे 77 किलोमीटर राइड करा है। भाई तुमने कितना राइड किया, तुम्हारे मीटर देखो जरा, इसने 82 राइड किया, तुमने मेरे से 6 किलोमीटर ज्यादा राइड किया, तुमने थोड़ा ज्यादा राइड किया, मजा ज्यादा लिया है ना। बाकी भाई ब्रेक्स का तो कोई टक्कर ही नहीं है, देविका के ब्रेक्स अमेजिंग है भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, इतने मज़े आ रहे हैं। बाइक ना पूरी गर्म हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा राइड करके। ऑल थैंक्स टू बजाज एंड ऑल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुर कुकुर फ्रॉम हेयर वी गॉट द बाइक, जिसके वजह से आपके लिए भाई स्पेशल वीडियो लेकर आ चुके। बाकी ये दोनों रहेगी कलर जो हमने आपको दिखाया वीडियो में। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, मिलते हैं बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।